तो हेलो, कैसे हो भाई लोग, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो के अंदर। सो गाइस, आज हम लोग कहां पे हैं? द इनविंसिबल क्लैन में। एंड ये जो क्लैन है गाइस, टाउन ऑफ नाइन का पुशिंग क्लैन है, इंडियन क्लैन है। यहां पे आप लोगों को जितने भी लेजेंड लीग के अकाउंट दिखाई दे रहे हैं, टाइटन लीग के अकाउंट दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे गाइस यहाँ पे टाउन ऑफ नाइन के प्लेयर है। एंड ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 से 11 बंदे ऐसे हैं जो की लेजेंड लीग में है। एंड आज हम लोग चैलेंज करने वाले हैं किसको, इस क्लैन के लीडर को, एसके टाउन ऑफ नाइन को। इनकी प्रोफाइल आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ऑल टाइम बेस्ट देख रहे हो भाई। यहाँ पे 5,858 ट्रॉफीज, 22 ऑफ टाउन ऑफ नाइन से इतनी ऊपर तक जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इनका ऑल टाइम बेस्ट तो भाई काफी अच्छा है, लेकिन अगर मैं अपना ऑल टाइम बेस्ट दिखाऊं तो भाई मैं सिर्फ गया हूँ चैंपियन लीग तक, वो भी जेम्स लेने, वरना मैं यहाँ तक भी नहीं जाता। खैर छोड़ो गाइस, फिलहाल हम लोग इनके साथ चैलेंज करने वाले हैं, एंड ऑफ कोर्स टाउन ऑफ नाइन से करने वाले हैं। भाई इनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है टाउन ऑफ नाइन से, सो मेरा जीतना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल है भाई, मुझे किसी भी तरह यहाँ पे 3 स्टार निकालना पड़ेगा, वरना भाई हमारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। भाई मुझे इतना तो पता है, ये हमारे बेस को आसानी से 3 स्टार निकाल देंगे, अपने को भी 3 स्टार निकालना है अगर हारने से बचना है तो। एंड हाँ गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक एसके भाई यानी कि इनविंसिबल 9 के क्लैन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो, हमें भी सब्सक्राइब करो, अपने को भी गाइस यहाँ पे 100K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने हैं। एंड इनके चैनल का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में। एंड हाँ गाइस, लाइक करो, लाइक एम करते हैं हम लोग आज 3,500 लाइक के लिए। भाई लाइक एम हमारा बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे ये भी पता है आप लोग कंप्लीट करवा दोगे, सो अगर आप लोगों ने नहीं कर रखा है तो यार लाइक जरूर करना। एंड हाँ, कमेंट करो, क्योंकि कमेंट करोगे तभी तो बाकी चैनल चलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सर जी, सबसे पहले मैं अटैक करने वाला हूँ, एंड ये बेस मिला भाई अपने को, ओके भाई। एंड हम लोग यहाँ पे गाइस 4 अर्थविक स्पेल्स यूज कर रहे हैं, मुझे नहीं पता मैं ये क्यों कर रहा हूँ, लेकिन भाई अगर अपने को ये चैलेंज जीतना है ना तो अपने को ये अटैक यहाँ पे 3 स्टार निकालना पड़ेगा किसी भी तरह। मुझे इतना तो पता है भाई, वो हमारे बेस को आसानी से 3 स्टार निकाल देंगे, क्योंकि भाई उनके पास 3-4 सालों का एक्सपीरियंस है टाउन ऑफ नाइन के ऊपर। तो भाई अपने को यहाँ पे संभल के रहना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे क्वीन हीलर्स, कम ऑन, अर्थविक स्पेल्स भाई देख के डालेंगे। पहले हम लोग श्योर कर लेते हैं हमारी क्वीन किस तरफ जाएगी। ओके, क्वीन इस तरफ आ रही है, तो अपने को यहां पे करना पड़ेगा भाई अर्थविक स्पेल्स। यहाँ पे एक विजार्ड, यहां पे आ जाएंगे हमारी अर्थविक स्पेल्स सारी की सारी, वॉल्स टूट जाएगी। ओके, अरे रे रे रे, यहाँ पे टेस्ला निकल गया, सो यहाँ पे किंग को डालना पड़ेगा, वरना क्वीन हमारी यहाँ पे भटक सकती है, एबिलिटी यूज नहीं होनी चाहिए क्वीन की अभी। कम ऑन, किंग की एबिलिटी, यहाँ पे एक और रेज, क्योंकि सामने अपोनेंट की क्वीन है। कम ऑन, टाइम का भी भाई ध्यान रखना पड़ेगा, टाइम हमारे पास काफी कम है, एंड अभी तक सीसी भी नहीं निकला। अरे भाई साहब, यहाँ पे लावा और निकला है, यानी कि हमारा बहुत सारा टाइम यहाँ पे कंज्यूम होने वाला है, तो टाइम का अपने को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। भाई लालो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं लोन्स। चलो चलो चलो, मिनियंस मैं यहाँ पे डालते रहता हूँ ताकि टाइम का इशू ना हो। पॉइजन, यहाँ पे लावा, लून्स, लून्स, बेबी ड्रैगन, कम ऑन, हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 50 सेकंड है। चलो भाई जल्दी, एक फ्रीज है अभी हमारे पास, इसको मैं अभी बचा के रखता हूँ। यहाँ पे फ्रीज, क्वीन की एबिलिटी मैं यहाँ पे यूज कर देता हूँ।
चलो 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 22 सेकंड। भाई मुझे ऐसे क्यों लग रहा है ये अटैक यहाँ पे फेल होने वाला है, हमारे पास यहाँ पे टाइम ही नहीं है यार। शिट मैन, 92%, 93, 98, 99। ओ भाई 3 स्टार कैसे निकलेगा ये? कैसे निकला भाई, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है ये टैग निकला तो निकला कैसे 3 स्टार। भाई साहब लास्ट सेकंड में यहाँ पे 3 स्टार निकला है। एंड भाई यहाँ पे बंदे कितने ऑनलाइन है, 26 बंदे यहाँ पे ऑनलाइन है, ये कैसे पॉसिबल है भाई? बहुत दिनों के बाद मैंने इतने बंदे ऑनलाइन देखे कि इसी क्लैन में मजा आ गया। एंड मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा कि ये टैग निकला तो निकला कैसे भाई 3 स्टार, लास्ट सेकंड में 3 स्टार निकल गया। एंड अभी अपने को चैलेंज देना है एसके भाई को। भाई मुझे पता ही है यार वो 3 स्टार निकाल देंगे हमारे बेस को, सो हम लोग यहाँ पे चैलेंज दे देते हैं एंड देखते हैं भाई 3 स्टार निकाल पाएंगे या फिर नहीं। लेट्स गो ब्रो, जल्दी 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 जल्दी। 2000 years later। ओके गाइज, एसके भाई यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, हाफ एयर एंड हाफ ग्राउंड अटैक स्ट्रेटजी। एंड यहाँ पे वो जैब भी यूज कर रहे हैं, 4 यहाँ पे लाइटिंग स्पेस भी हैं। सो देखते हैं भाई उनको कहाँ पे डालेंगे। एंड गोलम वाला हिस्सा किस तरफ से स्टार्ट करेंगे, लालो वाला हिस्सा किस तरफ से स्टार्ट करेंगे, ये भी देखना बनता है भाई। अभी तो वो बेस को एनालाइज कर रहे हैं, देखते हैं भाई कब स्टार्ट करेंगे अटैक। ओके अटैक यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, जैब के साथ यहाँ पे 2 डिफेंस को डाउन कर दिया। ओके यहाँ पे गोलम आ चुका है, यहाँ पे मेरे टेस्लास निकल चुके हैं जो कि यहाँ पे गोलम को थोड़ी सी दिक्कत देने वाले हैं। विजार्स यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे मैंने जायंट बॉम्ब भी रख रखे हैं, देखते हैं जायंट बॉम्ब यहाँ पे कुछ कर पाएंगे क्या। ओ भाई साहब जायंट बॉम्ब हमारे वेस्ट चले गए, गोलम को ज्यादा डैमेज पहुंचेगा नहीं। एक और विजार्ड आ चुका है, हीरोज को अभी तक डाला नहीं है, देखते हैं भाई हीरोज को कब डालेंगे। सीसी यहाँ पे निकल चुका है, यहाँ पे पॉइजन। ओके किंग यहाँ पे आ चुका है, क्वीन भी यहाँ पे आ चुकी है, यानी कि सीसी तो आसानी से यहाँ पे डाउन हो जाएगा। चलो भाई ड्रैगन भी गया, ये जंप फेल यहाँ पे आ चुकी है, वॉरवेक यहाँ पे काफी अच्छी हो चुकी है, फनल भी यहाँ पे बन चुका है। भाई साहब अटैक यहाँ पे अभी तक काफी अच्छा जा रहा है। जहां पे एसके भैया अपने किंग एंड क्वीन को लेके जाना चाहते थे वहीं पे गए हैं, किंग की एबिलिटी यहाँ पे यूज हो चुकी है, एक्सो यहाँ पे डाउन हो जाएगी। एक कोर ए डिफेंस यहाँ पे शायद मिल सकता है क्वीन को, या फिर दोनों के दोनों ए डिफेंस भी मिल सकते हैं। अभी तक उन्होंने अपना एयर वाला हिस्सा स्टार्ट किया नहीं है। ओके इस तरफ से लावा आ चुका है, लूंस आ चुके हैं, लूंस भाई टाइम तो इनके पास काफी है, 2 हेस्ट स्पेल अभी बची हुई है, एक को यूज कर दिया। ए डिफेंस डाउन हो चुका है एंड लावा इस तरफ आ चुका है, लूंस भी आ चुके हैं। भाई ये अटैक 3 स्टार निकलने वाला है, अभी बहुत कुछ बचा है भाई इनके पास, क्वीन की एबिलिटी बची है, 2 हेस्ट स्पेल बची है। भाई काफी आसानी से 3 स्टार निकाल दिए इन्होंने हमारे बेस को, ऑफकोर्स यार ये 3 स्टार है, कुछ बचे ही नहीं यार बेस के ऊपर। इसे बोलते हैं भाई एक्सपीरियंस, टाउन ऑफ 9 के ऊपर बंदों को इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है कि भाई अब उनको टाउन ऑफ 9 को 3 स्टार करना ना मजाक लगता है। जैसे अभी हमारा मजाक बना दिया, हमारे बेस का मजाक बना दिया एसके भाई ने यहाँ पे। भाई दोनों लावाउंड यहाँ पे बचे हुए हैं, वो भी फुल साइज में, भाई कोई लावाउंड फूटा ही नहीं। इसे बोलते हैं भाई अटैक काफी ओपी अटैक किया, मजा आ गया भाई। एंड हाँ गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक एसके भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करो यार, लिंक आप लोगों को मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में एंड डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। एंड हाँ गाइस आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर 1% ही वीडियो अच्छी लगे ना सब्सक्राइब जरूर करना यार, सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 100K सब्सक्राइबर अपने को कंप्लीट करवाने हैं ये साल खत्म होने से पहले, सो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, फटाफट से सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड हाँ गाइस कमेंट करो, क्योंकि कमेंट करोगे तभी दुबई का चैनल चलेगा। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ में, तब तक के लिए सायोनारा।
We'll be right back.